राधे राधे, फिर से मुलाकात हो ही गई है। हाँ, वापस आने ही पड़ा, क्या करें हम। और भाई मैं अक्सर आप लोगों से एक चीज बताता रहता हूँ कि वृंदावन में पुलिस वाले बहुत खतरनाक हो रखे, कहीं भी गाड़ी पकड़ लेते, उसका एक सबूत देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार भैया हर दूसरे तीसरे दिन तो तुम वृंदावन जाते रहते हो। इसको 6/5/24 को सीज किया था, लिखा हुआ है ना सीज, आज छुड़ा के लाया बेचारा। ये है ना, प्रेम मंदिर के पास गया था वृंदावन में सवारियां छोड़ने, और सवारियां छोड़ रहा था तभी पुलिस वाले आए और इसको पकड़ लिया। बेचारे की हालत टाइट हो गई। आज कितनी तारीख है, 15 है, 6 तारीख को सीज हुई थी, 6 से 15 मतलब 10 दिन हो गए, 10 दिन में छूट के आई है, लगभग 5000 रुपये खर्च हो गए इसकी, जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, निकल रहे अपना काम धंधा करने के लिए महिंद्रा ट्रियो को लेके, और एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। वैसे बुधवार का दिन है, कल मंगलवार का दिन मेरा बहुत भयंकर गया है, कुछ भी काम धंधा नहीं हुआ था भाई, बड़ी मुश्किलों से शायद 250-300 रुपए का काम करके आया था। तो आज एक नया दिन है, नई उम्मीदों के साथ चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए राधे राधे, फिर से मुलाकात हो ही गई है। हाँ, वापस आने ही पड़ा, क्या करें हम। आप तो बरसाना वगैरह जा रहे थे, गए नहीं क्या? गुड़िया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो बरसाना नहीं गए, वो परिक्रमा करके वापस आ गए। परिक्रमा कर गोवर्धन की। हाँ, गोवर्धन परिक्रमा कर ली और थोड़ा बहुत वृंदावन घूम लिया बस। खांसी हो, क्या हो गया? खांसी हो गई। दोस्तों आप लोगों ने इनको पहचाना कि नहीं पहचाना? ये मेरे वही सब्सक्राइबर थे जो 3-4 दिन पहले आए थे गुजरात भावनगर से। इनको कल मैंने वृंदावन छोड़ा था, कल नहीं परसों, सॉरी थी, परसों छोड़ा था भाई। कल ये वृंदावन घूमे और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे, वो भी करके आए, और इनकी जो बिटिया रानी थी उनकी हो गई तबीयत खराब। अब इनको कल यमुना ताज एक्सप्रेस वे से बस पकड़नी है दिल्ली के लिए, 2 दिन दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने गुजरात के लिए। तो वापस यहीं पर आ गए, इनका फोन आया था कि भैया मथुरा वापस आ रहे हैं, आप हमको वहीं छोड़ दीजिए जहाँ हम 2 दिन रुके थे। तो मथुरा जंक्शन से इनको छोड़ के आया हूँ भाई, अच्छे आदमी थे। हालांकि ये वृंदावन में रुक जाते तो ज्यादा फायदेमंद रहते, क्योंकि वृंदावन से यमुना एक्सप्रेस वे नजदीक पड़ जाता है, और खासतौर से इनको बस भी वृंदावन कट से ही मिलने वाली है। इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, और थोड़ा सा दिमाग मेरा भी नहीं चला कि मैं बता दूं, अब यहाँ से इनको वापस जाना पड़ेगा भाई। चलो कोई नहीं, छोड़ा है भाई। चलते हैं मथुरा जंक्शन की तरफ। हाँ तो दोस्तों भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर आए हुए थे उनको उनकी धर्मशाला पे छोड़ के आ चुका हूँ मथुरा जंक्शन पे। और भाई मैं अक्सर आप लोगों से एक चीज बताता रहता हूँ कि वृंदावन में पुलिस वाले बहुत खतरनाक हो रखे, कहीं भी गाड़ी पकड़ लेते, उसका आज एक सबूत देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार भैया हर दूसरे तीसरे दिन तो तुम वृंदावन जाते रहते हो, फिर भी बोलते हो वृंदावन खतरनाक है, वृंदावन खतरनाक है, लेकिन भाई वाकई में खतरनाक है। ये वाली जो गाड़ी है ना, ये हमारे मित्र है एक पंडित जी, उनकी है। ये एक हफ्ते पहले वृंदावन गए हुए थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, एक हफ्ते से बेचारे की गाड़ी बंद थी, आज छूट के आई है। तो दिखाता हूँ, देखो इस पे पीछे डीट डली हुई है सीज करने की, ये देखिए। इसको 6/5/24 को सीज किया था, लिखा हुआ है ना सीज, आज छुड़ा के लाया बेचारा। आपसे हम कुछ भी मजाक में नहीं कहते हैं भाई, वाकई में वृंदावन में पुलिस खतरनाक हो रखी है। ये है ना, प्रेम मंदिर के पास गया था वृंदावन में सवारियां छोड़ने, और सवारियां छोड़ रहा था तभी पुलिस वाले आए और इसको पकड़ लिया। बेचारे की हालत टाइट हो गई। आज कितनी तारीख है, 15 है, 6 तारीख को सीज हुई थी, 6 से 15 मतलब 10 दिन हो गए, 10 दिन में छूट के आई है, लगभग 5000 रुपए खर्च हो गए इसकी, जो कागजी कार्रवाई होती है उस सब में। इस वजह से वृंदावन जाने में थोड़ा सा डर लगता है भाई, अब 250-300 रुपए मिलते हैं जाने के, और उसमें 10-15 दिन के लिए गाड़ी बंद हो जाए
4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाए तो इतना रिस्क कौन उठाएगा, वो तो मजबूरी है यहाँ पे भाई की काम धंधा सिवाय टूरिस्ट के कुछ होता नहीं है। और योगी सरकार से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है यार, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो अगर वहाँ पे ऑटो वाले ही नहीं जा पाए तो फिर टूरिस्ट प्लेस होने का फायदा क्या है। यहाँ मथुरा जंक्शन से जो भी सवारी निकलती है वो सीधा यहाँ पे आने के बाद मंदिरों के नाम लेती है कि भैया प्रेम मंदिर जाना है, जन्मभूमि जाना है, द्वारकाधीश जाना है, बांके बिहारी जाना है। वहाँ तक तो गाड़ियाँ पहले से ही बंद थी क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो कोई भी ऑटो वाला जाता नहीं था, लेकिन जो मेन रोड है मेन पॉइंट है कम से कम वहाँ तक जाने की तो इज्जत से इज्जत मिलनी चाहिए इजाज़त। डर डर के काम करना पड़ता है यार। अब इस बेचारे का 10 दिन का नुकसान हुआ है, 5 हज़ार रुपये ऊपर से खर्च हुए हैं। मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा मोबाइल कैमरे पर आके बता दे, इतना डरा हुआ है कहीं पुलिस वाले दोबारा ना पकड़ ले, बेचारा कैमरे के सामने भी नहीं आया। तो दिक्कत तो है भाई, ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। आज सबूत भी दिखाया है मैंने कि गाड़ी बाकी में सीट होती है यहाँ पे। यही जिंदगी है ऑटो वालों की, पुलिस वाले कहीं भी रास्ते में मिल जाएंगे, हाथ दे के बिना कहे सुने बैठ जाते हैं कि चल स्टाफ छोड़ गया, और ऑटो वाले की छोटी सी भी गलती माफ नहीं होती। पता नहीं ये कैसा स्टाफ है यार। है भाई अभी टाइम क्या हुआ है, ये देखिए 11:30 हो चुके हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा। और काम कुछ खास है नहीं, मथुरा जंक्शन खाली पड़ा हुआ है, थोड़ी देर और देख रहा हूँ वरना घर निकल जाऊंगा। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, उनको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे एक बाबा हैं, किम छो बाबा, क्या हाल चाल? ठीक है, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे चुप पड़ गया तुम तो कहाँ आए को? और भाई ये है हमारा भूरा जो काम करता है पूरा, भूरा मेरी जैसी गाड़ी लाया, ये देखो मेरी भी गाड़ी का कलर ऐसा ही है और इसकी का, लेकिन भाई कलर सेम है, गाड़ियां अलग अलग कंपनी की है, मेरी महिंद्रा की और इसकी आपे वाली है, ये नए कलर में आई है। ओहो वीडियो देख रहा है, कैसी चल रही है तेरी आपे सिटी मैक्स? बहुत ही सर बढ़िया चल रही है। झूठ तो ना बोल रहा, अरे बोर्ड नहीं चकाचक चल, झूठ बोल रहा तो घोटू ने निकाल दूंगा तेरे ने। बढ़िया चल रही है, चलो भैया। हाँ भाई लौंडो कैसी कटी दोपहर? हाँ तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो भाई ये है कि शाम का टाइम है, रात हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि सामने से मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ क्योंकि यार लाइट बहुत कमजोर है, लेकिन भाई कल की तरह ही जब शाम को निकल के आया था मैं घर से स्टेशन के लिए, उसके बाद मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया। एक्चुअली 2-3 दिनों से हो ऐसा रहा है कि शाम के टाइम में काम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, तो भाई दिमाग कॉफ हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं भाई जिनके लिए पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं, और जब उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर बिजनेस शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। इसी के चक्कर में न तो मैंने कल शाम के टाइम में कुछ किया था, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया था, सीधा घर जाके एंड किया था, वैसा ही कुछ आज कहानी बन गई। पर आज थोड़ी सी बदलाव ये है कि जब मैं घर को निकल रहा था तभी मुझे सवारियां मिल गई वृंदावन की, अभी मैं अटल्ला चुंगी पे खड़ा हुआ हूँ, सवारी देख रहा हूँ और कोई सवारी नज़र नहीं आ रही है, पूरा का पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ से सीख को सवारी मिल जाए उसको लेकर निकल रहा हूँ मथुरा के लिए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है यार, लाख कोशिशों के बाद भी सवारी मिलने में नहीं आ रही है, बहरहाल देख लेते कुछ मिल जाए तो निकलते हैं फिर यहाँ से। ये देखो भाई ऐसा हाल है वृंदावन का, पैदल पैदल जो घूम रहे हैं वो वैसे ही रुके हुए टूरिस्ट हैं, मथुरा के लिए कोई लिया। वैसे आप लोगों से बात करते करते मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे 3 सवारियां मिल गई हैं मथुरा जंक्शन तक के लिए, एक आधा और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा मुझे भाई। वैसे 9:30 ही हुए हैं पर गली में सन्नाटे हो गए मेरी, में मार्केट नहीं घर गली भी सन्नाटे ही है भाई, कोई भी नहीं रहता। मेरी गली ऐसी है, 3 गेट तीनों की तरफ से बंद रहती है, केवल एक ही रास्ता है आने जाने का मेरी गली में, लैंड लॉक कह सकते हैं उस गली को पूरी तरह से। और रात के टाइम में तो लगभग 7-7.5-8 बजे के बाद कोई अपने घरों से बाहर होता ही नहीं है, सब अपने अपने घरों में टीवी देख रहे होंगे, शांति से पड़े होंगे और जल्दी सो जाएंगे। चलो घर चलते भाई। क्या है? तो गुल्ली चाय है पीवेगी? पियो दही था ना, चाय क्यों बनाई नहीं थी तुम्हें? बनाई तो हमने पी ली। लगभग 10:30 होने को है
और भाई आज का दिन मैंने सब कुछ आपको बताया है, कुछ खास नहीं था, बहुत बुरी स्थितियाँ चल रही है भाई काम की, और सवरा जो हंसी मजाक जो कुछ भी घर में होता है वो काम के बाद ही होता है भाई, क्योंकि जेब में पैसे हो तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। आज की दुनिया ऐसी है, आप चाहे कितना भी बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मार लो, लेकिन हकीकत यही है जेब खाली हो ना तो आदमी के चेहरे से हंसी अपने आप ही गायब हो जाती है, और आजकल मेरा सब ऐसा ही चला हुआ है। तो भाई खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, दिन तो जैसा गया वैसा ही गया, तो आराम करते हैं, कल के नया दिन शुरू होगा, नई उम्मीदों से जगेंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।